क्या आपको पता है अब आप 120 दिन पहले इंडियन रेलवे में कोई भी टिकट नहीं बुक करा सकते। हाँ जी, 120 दिन पहले आप नहीं करा सकते। क्या आपको नहीं पता है? तो इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको पूरा जानकारी देता हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, 120 दिन पहले अब आप टिकट नहीं बुक करा सकते। अगर आपको रिजर्वेशन टिकट चाहिए तो आप 60 दिन पहले बुकिंग करा सकते हैं। ये डिसीजन 17 अक्टूबर को लिया गया इंडियन रेलवे के द्वारा और ये डिसीजन मुझे बहुत अच्छा लगा। 60 दिन पहले आप रिजर्वेशन टिकट बुक करा सकते हैं और ये चीज इंप्लीमेंट होगा 1 नवंबर 2024 से। कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों में रिजर्वेशन 4 महीने का ही रहेगा, जैसे कि गोमती एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस और अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे आप देख सकते हो जो टूरिस्ट ट्रेन है उसमें भी कुछ चेंजेस नहीं लाए जाएंगे। आप लोग जब मूवी देखने जाते हो तो टिकट बुक हो जाता है लेकिन बाहर में ब्लैक में बेचा जाता है, वैसे ही इंडियन रेलवे का सब कोई रिजर्वेशन पहले से करके रख लेता है। सारा देखोगे साइबर कैफे या कोई भी रिजर्वेशन पहले से करके रख लेगा उसको ट्रैवल करना है कि नहीं और फिर उसको ब्लैक में बेचेगा। जैसा कि आपको पता है बिहार का सबसे बड़ा फेस्टिवल महापर्व छठ आने वाला है और दिवाली आने वाला है, इसके लिए इंडियन रेलवे बहुत सारा स्पेशल ट्रेन चला रहा है। अगर अभी तक आपने टिकट बुक नहीं कराया और आपको घर जाना है तो जल्दी जल्दी टिकट बुक करा लीजिए वरना आपको एक भी सीट नहीं मिलेगा। छठ के लिए तो 4-4 महीने से पहले से रिजर्वेशन करके रखा हुआ है लोगों ने। बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, लोग टॉयलेट में ट्रैवल करके जाते हैं। अभी इंडियन रेलवे स्पेशल ट्रेन चला रही है तो फटाफट आप टिकट बुक कर लो नहीं तो ये सब भी टिकट बुक हो जाएगा। अगर आपने सोच ही लिया है जनरल कोच में ट्रैवल करने का तो मैं आपको बता दूं, ट्रेन के आगे 2 जनरल कोच होता है और ट्रेन के पीछे 2 जनरल कोच होता है। आप 2 घंटा 3 घंटा पहले आइएगा और फटाफट ट्रेन में बैठ जाइएगा वरना आपको सीट नहीं मिलेगा।